दोस्तों, अभी हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या है दोस्तों? लुक अप टू। लुक अप टू, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टू रेस्पेक्ट, यानी आदर करना। लुक अप टू। अगला पॉम ऑफ। पॉम ऑफ मतलब क्या होता है? टू गिव बाय डिसेप्शन, यानी धोखे से दे देना, किसी को धोखे से दे देना, पॉम ऑफ। अगला मेक डू विथ। मेक डू मतलब क्या होता है? टू मैनेज, यानी करना, काम चलाना। कोई चीज़ होता है ना कि आप काम चलाओ कमी में भी या ज़्यादा में है, तो टू डू विथ मतलब मैनेज होता है। अगला मेक फॉर, यानी टू रिजल्ट इन या टू कॉज, यानी किसी बात में सहायक होना, उसको क्या कहते हैं? टू मेक फॉर, टू रिजल्ट इन, टू कॉज। अगला मेक ऑफ। मेक ऑफ मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज या व्यक्ति के अभिप्राय को समझना, उसको क्या कहते हैं? मेक ऑफ। अगला मेक ऑफ विथ, यानी टू रन अवे विथ, यानी किसी चीज को लेकर भाग निकलना, उसको क्या कहते हैं? मेक ऑफ विथ, यानी टू रन अवे विथ। अगला मेक आउट कांट एंड कुडेंट, यानी टू मैनेज टू सी और अंडरस्टैंड, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को समझना, उसको क्या कहते हैं? मेक आउट। अगला मेक द मोस्ट ऑफ मतलब टू गेट मैक्सिमम, यानी क्या करना? पूरा पूरा लाभ उठाना, उसको क्या कहते हैं? मेक द मोस्ट ऑफ। अगला क्या? मेक अवे विथ, यानी क्या होता है दोस्तों? टू फ्री फ्ली अवे टेकिंग समथिंग, यानी कोई चीज लेकर भाग जाना, उसको क्या कहते हैं? मेक अवे विथ। जैसे बोलते ना कि कौवा मेरा हाथी लेकर भाग गया, चचूहा मेरा ले कपड़ा लेकर निकल गया, थी लेकर चला गया, बोलते हैं यानी मेक अवे विथ। फ्ली अवे विथ मतलब कोई चीज लेकर भाग जाना। फ्ली में जानवर के सेंस में, यदि पक्षी के सेंस में आ जाएगा। अगला ओकर टू। ओकर टू मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड मतलब समझ में आना। अगला पार्ट विथ मतलब टू लीव और रिनाउंस, यानी बिछड़ जाना या त्याग देना, उसको बोलते हैं पार्ट विथ। अगला पास फॉर मतलब क्या होता है दोस्तों? टू बी अज्यूम्ड, यानी मानना, मानना जाना, मान लेना या अज्यूम करना। जैसे मैथ बनाते हैं तो अज्यूम करते हैं। पास बाय मतलब टू क्रॉस समवन, यानी किसी के बगल से गुजरना, उसको क्या कहते हैं? पास बाय। अगला क्या दोस्तों? पास ऑफ। पास ऑफ मतलब टू प्रिटेंड समथिंग टू कंक्लूड एन इवेंट, क्या होना? टू प्रिटेंड सम, किसी को क्या करना? दिखावा, किसी चीज़ का दिखावा करना या करना, किसी आयोजन का आयोजन का समाप्त करना। अगला दोस्तों पास आउट। पास आउट मतलब क्या होता है? टू फेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इवेंट, यानी बेहोश हो जाना या दूसरों में बांटना। पास आउट मतलब फेंट या टू डिस्ट्रीब्यूट इवेंट। पास ओवर मतलब टू इग्नोर टू हैंड ओवर टू समवन, यानी अनदेखा करना या क्या करना? दूसरों को हस्तांतरित करना, उसका क्या कहते हैं? पास ओवर बोलते हैं। प्ले एट। प्ले एट मतलब क्या होता है दोस्तों? टू डू विदाउट इंटरेस्ट, यानी बिना रुचि कोई काम करना, उसको क्या कहते हैं? प्ले एट। प्ले एट खेलते हैं रुचि, बिना रुचि के इंटरेस्ट के। प्ले डाउन यानी टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट, यानी क्या होना? किसी बात के महत्व को कम करके आंकना, उसको क्या बोलते हैं? प्ले डाउन। अगला दोस्त क्या? पुल ऑफ। पुल ऑफ मतलब क्या होता है? टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, यानी मुश्किल कार्य को करने में सफल होना, उसका क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं पुल ऑफ। पुल ऑफ। अगला क्या है दोस्तों? पुल टुगेदर। टुगेदर मतलब टू ऑर्गेनाइज टू वर्क वेल टुगेदर, यानी आयोजन करना, साथ में अच्छे से काम करना, उसको क्या कहते हैं? पुल टुगेदर। अगला पुल अप। पुल अप मतलब क्या होता है? टू क्रिटिकाइज, किसी को क्या करना? आलोचना करना। अगला क्या दोस्तों? पुट अक्रॉस यानी टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज एक्सप्रेस, यानी क्या करना? अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना, उसको क्या कहते हैं? पुट अक्रॉस करते हैं। अगला पुट असाइड मतलब क्या होता है? टू सेव टू इग्नोर, यानी बस भविष्य के लिए बचा कर रखना या क्या होता है? अपेक्षा करना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या करना? पुट असाइड। अगला दोस्तों पुट अवे, टू सेव और स्टोर फॉर फ्यूचर, टू डिसाइड टू इग्नोर समथिंग अनप्लेजेंट, यानी क्या करना दोस्तों? भविष्य के लिए बचा कर रखना, यानी किसी बुरी चीज को इग्नोर करना। अगला पुट वाई मतलब दोस्तों? टू रिजर्व ए पार्ट, यानी एक हिस्सा बाद के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना, किसी को किसी बात का कारण बताना, यानी इसको रिजर्व ए पार्ट। अगला दोस्तों इसको रिवीजन कर लीजिए। पहला क्या? लुक अप टू मतलब किसी को आदर करना। पॉल मॉल में क्या होता है? धोखे से देना। मेक डू मतलब क्या होता है दोस्तों? काम चलना। मेक फॉर मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी बात में सहायक होना। मेक ऑफ मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड मतलब समझ आना। मेक ऑफ मतलब क्या होता है? टू रन अवे विथ, यानी किसी चीज को लेकर भाग निकलना।
मेक और मतलब टू मैनेज टू सी और अंडरस्टैंड, यानी क्या होना दोस्तों, किसी वस्तु या व्यक्ति को समझना। अगला क्या होता है, मेक द मोस्ट ऑफ, यानी टू गेट मैक्सिमम, यानी पूरा पूरा लाभ उठाना, इसको बोलते हैं मेक द मोस्ट ऑफ। अगला क्या होता है दोस्त, मेक अवे विथ, यानी टू फ्ले अवे टेकिंग समथिंग, यानी कोई चीज लेकर भाग जाना, इसको क्या बोलते हैं, मेक अवे विथ। अगला क्या दोस्त, ऑकर टू, ऑकर टू मतलब क्या ना, टू अंडरस्टैंड, समझ में आना। अगला पार्ट विथ मतलब टू लीव और रिनाउंस, यानी बिछड़ जाना या त्याग देना। अगला क्या, पास ऑफ, पास फॉर मतलब टू बी अज्यूम, क्या ना, अज्यूम करना। पास ऑफ मतलब टू क्रॉस समवन, किसी के बगल से गुजरना, उसको पास ऑफ बोलते हैं। पास ऑफ मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का दिखावा करना। पास आउट मतलब टू फेंट टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग, यानी क्या होना, बेहोश हो जाना या दूसरे में बांटना। ये देख लीजिएगा दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिए, लिव वायर, लॉक हॉर्न बीट, यानी टू एंगेज इन फाइट और आर्ग्यूमेंट में, यानी झगड़ा या विवाद करना। और लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी इंटायरली और कंप्लीटली सभी चीज। अगला लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द समरी ऑफ मैटर, यानी किसी बात का मुख्य बिंदु। अगला लॉन्ग फेस, यानी वेरी सैड और अनहैप्पी, दुखी और उदास। तो ये था आज का हमारा दोस्तों वीडियो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब